ये देख, ये देख, गरम होगा ऐसे फूक फूक के खाना, जो देखी नहीं तो। बिल्ली तो क्या, वो तेरा पति है ना, वो भी ऐसे उंगलियां चाट चाट के खाएगा। आंटी अगले संडे नहीं, अगले संडे मैं अपने बेबी के साथ हनीमून पे जा रही हूँ। हाय, तेरा बेबी भी है, तुझे देखकर लगता नहीं है। नहीं, ये वाला बेबी नहीं, अब वो मेरी हबी को शादी है। कैसी बातें कर रही है, मैं अपने हबी को अपना बेबी बुलाती हूँ। पति पति? हाँ, अच्छा है, ऐसी आजकल की मॉडर्न लड़कियों का अपने पति को ही बेबी बुलाती हो, इसीलिए तुम्हें बच्चों की जल्दी नहीं होती है। कोई बात, ऐसे हनीमून पे जाओगी तो आज नहीं तो कल बेबी हो ही जाएगा, है कि नहीं? वैसे कहाँ जा रही हो तुम? मैं शिमला जा रही हूँ। आज सुनिए, आपकी बहू और आपका बेटा वो कहीं नहीं जा रहे क्या? ये आइडिया एकदम मस्त है, एक काम करती हूँ, मैं अपने बेटे और बहू दोनों को शिमला ही भेज देती हूँ। कौन से होटल में रूम बुक किया है तूने बेटा? वो हनीमून स्पेशल होटल है ना, मिडनाइट इन, बस वहीं पे बुकिंग किया हमने। तो एक काम कर, वो होटल का नाम मुझे पर्ची पे लिख के दे दे, मैं उन दोनों को वहीं भेज दूंगी। कितना अच्छा रहेगा, तू, तेरा पति, मेरा बेटा और बहू सब जाएंगे शिमला हनीमून पे, फिर दोनों के घर में साथ में खुशी आएगी, एक तेरे घर में एक मेरे घर में। लंबी साड़ी पहनेगी तो आपका बेटा कैसे देखेगा उसे? अरे एक आइडिया, आप एक काम करो, मेरी कुछ फैंसी और शॉर्ट ड्रेसेस ले जाओ और अपनी बहू से बोलो हनीमून पे वही पहने, फिर देखना कि बेटे का क्या हाल होता है। अरे बेटा क्या बात है, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू, तेरा ये आइडिया भी सुपर हिट है, मुझे दे दे वो ड्रेस, मैं अपनी बहू को वो ड्रेस दूंगी, उसे वो ऐसी शॉर्ट वाली ड्रेस में देखेगा मेरे बेटा तो खुश हो जाएगा। अरे मैं भी साथ।